नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड मैट्रिक के एडमिट कार्ड हुए जारी। बिहार बोर्ड मैट्रिक के एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए गए हैं। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बाबत अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैट्रिक के छात्र एडमिट कार्ड 10 जनवरी को जारी कर दिए गए हैं। सभी छात्र बिहार बोर्ड online.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार वार्षिक परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट प्रायोगिक परीक्षा दोनों तरह की परीक्षा में विद्यार्थी इसी एडमिट कार्ड के साथ शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें बिहार बोर्ड इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल परीक्षा 20 जनवरी से 22 जनवरी तक और वार्षिक मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रधान सचिव ने लिया अहम फैसला। बीते 1.5 महीने के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रधान प्रत्यय अमृत ने कई बार सदर अस्पतालों का जायजा लिया। इसी क्रम में बीते दिन भी प्रत्यय अमृत हाजीपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने सुधार की दिशा में कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत उन्होंने डीएम और सिविल सर्जन को खूब सारे दिशा निर्देश दिए हैं। वह इसी दौरान सदर अस्पताल कैंपस में जीविका द्वारा संचालित दीदी की रसोई और अस्पताल में उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रधान सचिव ने कोरोना के टीकाकरण को लेकर यहां की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्रधान सचिव के दौरे को लेकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सर्टिफिकेट नहीं देने वाले बिहार के 53,000 शिक्षकों के नाम होंगे सार्वजनिक। बिहार के सभी सरकारी स्कूल में बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसके तहत बिहार के सरकारी स्कूल में साल 2006 के बाद से जिस शिक्षकों की डिग्रियों के 5 साल की जारी जांच अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है, जिसके बाद अब नियोजन इकाइयों की लापरवाही से निजात दिलवाने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार अब भी जिन 53,000 शिक्षकों के नियोजन फोल्डर निगरानी को नहीं मिल पाए हैं, शिक्षा विभाग उनके नाम सार्वजनिक करेगा। साथ ही अब सीधे इन शिक्षकों से ही उनके शैक्षणिक कागजात मांगे जाएंगे। शुक्रवार और शनिवार को शिक्षा विभाग और निगरानी ब्यूरो के अधिकारियों की साझा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सुचित्रा भट्टाचार्य की। सुचित्रा भट्टाचार्य का जन्म आज ही के दिन साल 1950 में बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। सुचित्रा भट्टाचार्य एक भारतीय उपन्यासकार थी। उन्हें बचपन से ही लिखने की रुचि थी। भट्टाचार्य ने कोलकाता के ऐतिहासिक विश्वविद्यालय कलकत्ता के एक संबंध स्नातक महिला जोगमाया देवी कॉलेज से स्नातक किया था। सुचित्रा को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें 2004 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भुवन मोहिन पदक, 1996 में बैंगलोर में नजन गुड्डू थिरु मल्लंबा राष्ट्रीय पुरस्कार, दिल्ली में कथा पुरस्कार 1997, कोलकाता में 2000 में तारा शंकर पुरस्कार, 2001 में कल्याणी से दवी जेंद्रलाल पुरस्कार, भागलपुर से 2002 में शरद पुरस्कार समेत कई अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। भागलपुर में जल्द ही बनेगा मल्टी लेवल और अंडरग्राउंड पार्किंग। भागलपुर वासियों के लिए हम सूचना। भागलपुर स्मार्ट सिटी में पार्किंग की समस्या का जल्द ही समाधान होने वाला है, क्योंकि जल्द ही भागलपुर में मल्टी स्टोरी और अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए जगह चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया करवाई जाएगी। इसके लिए निर्देश भी नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सह स्मार्ट सिटी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने भागलपुर स्मार्ट सिटी के निदेशक मंडल की बैठक में बीते दिन ही दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बाबत अपना बयान भी जारी करते हुए कहा है कि भागलपुर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर में गिना जाता है। वहां जब तक पार्किंग की बेहतर सुविधा नहीं मुहैया करवाई जाएगी, तब तक स्मार्ट सिटी की परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में साथियों को लेकर कही अहम बात। विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, वही परिणाम आने के साथ ही सरकार का गठन हो चुका है। हालांकि अभी भी पार्टियों के बीच का मनमुटाव साफ देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव में उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ। वहीं चुनाव में जदयू के प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्हें पार्टी के प्रदर्शन का आभास हो गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना के कारण हुई देरी के कारण ही सारी गड़बड़ी हुई है। आरसीपी सिंह ने बिहार में मिली जीत पर भी दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार जदयू के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक से पहले अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बेशक विधानसभा चुनाव में परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं, पर सच ये भी है कि चुनाव में नीतीश कुमार की साख और विश्वसनीयता की जीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 के कारण लोगों के बीच पहले की तरह पहुंचना संभव नहीं हो पाया। इस वजह से कुछ लोग हमारे मतदाताओं को गुमराह करने में सफल रहे। हम कभी नहीं सोच सकते हैं कि हम सत्ताधारी हैं, इसलिए हमारा
हमारा क्लास अलग है, हमें कोई दंभ नहीं पालना है। जदयू पहले भी नंबर वन पार्टी थी, आज भी वही आगे ही रहेगी। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि हम लोग धोखा तो खा सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते, हम लोगों में फिर से खड़ा होने की ताकत बची हुई है, अगर कोई कमी है तो उसे दूर करने में हम पूरे संकल्प के साथ जुट जाएंगे। राजद उपाध्यक्ष शिवानंद ने भी मध्यावधि चुनाव को लेकर कही अहम बात। बिहार में मध्यावधि चुनाव की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। इसी क्रम में अब राजद के एक और नेता ने भी इस बात को दोहराया है, जिसके तहत बिहार राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश जी ने स्वयं इस बात को सार्वजनिक किया कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भाजपा की तरफ से अब तक नाम नहीं मिला है, इसीलिए विस्तार ठहरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पहले मंत्रिमंडल गठन में हम इतना विलंब नहीं करते थे। श्री तिवारी ने कहा कि एनडीए में जो हालात है उनमें मध्यावधि चुनाव की बात किया जाना कतई गलत नहीं है। हालांकि इससे पहले राजनेता तेजस्वी यादव ने भी मध्यावधि चुनाव का दावा किया था, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी हाल में आने वाले महीनों में मध्यावधि चुनाव होने हैं क्योंकि वर्तमान सरकार स्थिर नहीं है। सुशील मोदी ने राजद के राजकुमार पर फिर कसा तंज। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि नया साल मनाकर बिहार लौटे राजद के राजकुमार को ना जनादेश पर विश्वास है और ना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, वो विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं है, इसीलिए बार बार मध्यावधि चुनाव का हवा खड़ा कर रहे हैं। मोदी ने अलग अलग ट्वीट करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद के राजकुमार अपने दुराग्रह पूर्व अनुमान से ज्यादा सीट पाने वाले दल की उपलब्धि को चुनाव आयोग की कृपा बताकर संवैधानिक संस्था की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के परिणाम को गलत ढंग से प्रभावित करने के लिए कांग्रेस राजद ने मीडिया के एक वर्ग में एग्जिट पोल के नाम पर पहले गठबंधन की जीत का परसेप्शन बनाया था। जदयू के पक्ष में सामने आए मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है, जिसके तहत अब हम पार्टी नीतीश कुमार के सहयोग में आ गई है, भाजपा को लगे हाथ नसीहत भी दे दी है। और इस बाबत मांझी ने कहा है कि राजनीति में गठबंधन धर्म को अगर निभाना सीखना है तो नीतीश कुमार से सीखा जा सकता है। गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर और महान बनाता है। नीतीश कुमार के जज्बे को मांझी का सलाम है। नीतीश कुमार कम सीट के कारण मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा और दल के नेता की वजह से कुर्सी संभाल कर उन्होंने स्वीकार किया। समय कम था कि पता ही नहीं चला कि कौन साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। दीपक हुड्डा ने कृणाल पांड्या पर लगाया बड़ा आरोप। क्रिकेट में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। इसी क्रम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत से पहले बड़ौदा टीम के उपकप्तान दीपक हुड्डा ने कप्तान कृणाल पांड्या पर बड़ा आरोप लगाया है। दीपक ने कहा है कि कृणाल ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और टीम के खिलाड़ियों के सामने के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। बड़ौदा टीम के उपकप्तान दीपक हुड्डा टीम का कैप छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को भी एक पत्र लिखा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सीजन के लिए कृणाल पांड्या को टीम का कप्तान बनाया गया है। सलमान खान ने राखी सावंत का बिस्तर किया साफ। आज दिखाए जाने वाले एपिसोड में सलमान खान घर के अंदर आने वाले हैं। दरअसल ये पूरा मामला राखी सावंत और निक्की तंबोली के बीच जारी लड़ाई का है, जिसके कारण ही निक्की तंबोली ने राखी सावंत के बिस्तर को साफ करने से इनकार कर दिया था, जिस पर ही भड़के सलमान ने कहा कि आओ देखा ना ताओ, सीधा घर के अंदर घुस गया और उन्होंने खुद से राखी के बिस्तर को साफ किया, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में यह भी कहा कि अगर यह किसी फिल्म या टीवी सीरियल में आपको देखने को मिलता तो आप जरूर करती, ये कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इसके साथ ही सलमान आज के एपिसोड में काफी ज्यादा भावुक भी नजर आने वाले हैं। खबरों की माने तो आज जैस्मिन भसीन घर के बाहर हो सकती है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 18,645 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,04,50,284 पर पहुंच गई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 201 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,50,999 पर पहुंच गई है, जिसके बाद 1,75,950 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद भारत में अब कुल मिलाकर 2,23,335 एक्टिव मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए बिहार में मध्यावधि चुनाव की संभावना है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।